हेलो एवरीवन तो आज मैं जो केक बना रही हूँ वो एनिवर्सरी के लिए बना रही हूँ तो आप देखें और बताएं कि कैसा बना ये मेरा पहला वीडियो है केक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें यहाँ मैं केक को दो लेयर में कट की हूँ मुझे करना तो तीन लेयर में कट लेकिन ऊपर का लेयर बहुत हार्ड हो चुका था तो मैंने उसको साइड कर दिया तो जो दो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं था थोड़ा सा मोटा ही मैंने रखा था तो मैं पहली लेयर को रखी हूँ उसमें क्रीम लगाई और चोको चिप्स लगा दी और मैं दूसरी लेयर को रख रही हूँ आप चाहे तो अपने इस्पॉन्ज में पानी डाल सकते हैं मेरा स्पॉन्ज बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट था तो मैं पानी नहीं डाली मैं यहाँ दूसरी लेयर रख रही हूँ और उसे अच्छे से क्रीम से कवर कर रही हूँ स्क्रैपर की हेल्प से मैं यहाँ साइड मैजिक सेक्ट डिजाइन बनाई हूँ इसे फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए और दूसरी ओर मैं गनाश की तैयारी कर रही हूँ चॉकलेट गनाश के लिए 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले रही हूँ और उसमें वन फोर्थ कप व्पिंग क्रीम डाल रही हूँ और उसे 30 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ गनाश को केक के ऊपर डालेंगे और तुरंत ही पैलेट नाइफ से उसे केक के ऊपर अच्छे से फैलाना है देखिए मैं यहाँ केक के ऊपर गनाश डालकर कोई दूसरे काम में लग गई और मेरा केक के ऊपर अच्छे से गनाश फैला नहीं और देखिए कैसे ये जमने लगा बहुत मुश्किल से इसे फैलाई हूँ और स्पून की हेल्प से मैं इसे साइड में ड्रिपिंग की हूँ दूसरी ओर मैं एक लाइट पिंक कलर का क्रीम तैयार की हूँ और जो छोटा सा स्टार नोजल आता है ना उससे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी और नीचे का बॉर्डर भी मैं इसी नोजल से ही कर रही हूँ बॉर्डर में मैं छोटा छोटा सा स्टार बना रही हूँ और इसी नोजल से मैं रोजेस बनाऊँगी देखिए आठ रोजेस बना है इसमें और बीच में जो गैप है उसमें छोटा छोटा सा स्टार बना रही हूँ ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा और कुछ भी अगर मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ वो भी बताना और ये जो आप हर्ट शेप देख रहे हो ये मैं डार्क चॉकलेट से बनाई हूँ डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके उसे बटर पेपर में फैलाई थी और कुकीज़ कटर आता है ना हार्ट शेप का उससे मैं इसे कट कर ली और जो दूसरा चॉकलेट आप देख रहे हो हार्ट शेप का वो मैं पाइपिंग बैग से बनाई हूँ तो गाइज़ ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए आप इस तरह की डिज़ाइन को वैलेंटाइंस डे के दिन भी बना सकते हो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें बाय बाय